खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सरायपाली पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई में गांजा परिवहन करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपियों में दो अंतर राज्यीय गांजा तस्कर भी शामिल हैं। दरअसल सरायपाली थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी को मुखबिर की सूचना मिली कि एक वाहन में 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर उड़ीसा पदमपुर से सरायपाली की ओर जा रहे हैं। वही सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली, जिनके कब्जे से 5 किलोग्राम से अधिक का गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 8 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सरायपाली से संवाददाता संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट।